उधर देर रात कुल्लू जिला मुख्यालय से कुछ ही दूरी पर स्थित लगी घाटी के भलियाणी गांव के पास पहाड़ी दरक गई। पहाड़ी दरकने से जहां ग्रामीणों के 5 घर धस गए तो वहीं 50 बीघा जमीन नष्ट हो गई है। साथ ही पहाड़ी धसने से आए मलबे से नीचे बह रही नदी का बहाव रुक गया है और वहां लगभग 35 मीटर लंबी झील बन गई है, जिससे नदी के साथ लगने वाले गांव और कुल्लू शहर को भी खतरा पैदा हो गया है। वहीं इस घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन भी सचेत हो गया है। प्रशासन द्वारा एक टीम गठित करके मौके पर भेजी गई है। प्रशासन के अनुसार अभी कुछ और भूस्खलन होने का खतरा बना हुआ है, जिसके चलते लोगों को इस क्षेत्र से दूर रहने को कहा गया है। यहाँ पहाड़ी बार बार गिर रही है, पत्थर टकरा रहे हैं, हमें बहुत डर लग रहा है। इस तरह से अगर ऐसा गिरता रहेंगे तो हमारे को बहुत मुश्किल हो जाएगी। रात को भी बहुत ज़्यादा गिर गया, फिर हम बार बार बाहर निकल के देख रहे थे कि कितना कुछ हो तो ना कहीं जाए, इसलिए हम बहुत परेशान थे। गांव को भी खास नुकसान नहीं है, क्योंकि गांव जो स्लाइडिंग पॉइंट से है कम से कम 250-300 मीटर ऊपर है, लेकिन गाँव के लोगों का ज़मीन जो मलकित ज़मीन थी वो लगभग 25-30 बीघा के करीब जो है धस गई है। और मैं स्वयं आज मौके पर गया था, देख के आया हूँ हालात को, और दरारें पड़ी हुई है, लगभग 40-50 बीघा और ज़मीन धस सकती है, और स्थानीय लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ इसमें। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।